तेरे सामने ऊपर से मैंने मारने की धमकी दी जाज ये रोज रोज ऊपर से ये बोल रहा है जज्जर पुलिस की जज्जर रेवाड़ी सालावास कोसड़ी पुलिस मेरी है, घर खाली करके चली जा ना तो मारेंगे इतना छोटा कौन है। आज के दिन मेरे घर में कोई सामान नहीं, यार मैंने एक मिनट का भी विश्वास नहीं मैंने कभी भी मार सका है। सुबह भी धमकी दे रहा था कि तू एक बार रोड पर आ जा ना, बच्चे चले जा, उसके बाद में मैं बताऊंगा तने। मैंने एक मिनट का ये विश्वास नहीं है कि अगर मैं अकेली मिल गई तो मैं नहीं मारेंगे ये तो, लेकिन किस्मत ने कितनी करूँगी माँ का रोटी तो मन भी चाहिए कि पेट भर का। आज भी मेरे घर में 3 दिन हो लिए आटा बिना रोटी नहीं बनी है। अब जाके देख सको कल मेरी बहन का थे गेहूँ लेकर आई हूँ 20-25 किलो में जाकर नर वो जब अभी पीसे भी नहीं है, पैसे थे नहीं पिसवाऊँ कहाँ से उन्होंने थी। उसके बाद ही घर वाला मारन पिटन लग गया, बने घर से निकाल दी, कोसड़ी में किराए पर रहती रही। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमित अमन और आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर आए हैं जिसमें कि एक माता जी जो हमारे साथ मौजूद हैं आज, इनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, जो इनकी व्यथा है वो ये खुद आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मुद्दा बहुत गंभीर है। पहले माता जी से ही सुनते हैं कि आखिर इनके साथ में क्या हुआ है, क्योंकि इनके हाथ में आप जो देख रहे हैं पेपर्स ये भी गवाही देते हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर हुआ है। ये इनका एक कोर्ट केस है। अभी पहले मैं इनसे जान लेता हूँ कि आखिर माता जी के साथ क्या हुआ है। कमलेश देवी इनका नाम है और झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बीठला गांव की ये निवासी हैं। आइए चलिए पहले इनसे जान लेते हैं। माता जी आप बताएं हुआ क्या आपके साथ। 2017 में बड़े लड़के की शादी हुई थी, उसके बाद ही घर वाला मारन पिटन लग गया, बने घर से निकाल दी, कोसड़ी में किराए पर रहती रही, कोर्ट में बढ़ गई, कोर्ट में 7,000 रुपये देने लगा 3-4 महीने से, वो भी नहीं दे रहे। ऊपर से ये बोल रहा है जज्जर पुलिस की जज्जर रेवाड़ी सालावास कोसड़ी पुलिस मेरी है, घर खाली करके चली जा ना तो मारेंगे इतना छोटा कौन है। फिर आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, सब दारू पीणी के साथ ही है। अगर बेटा है बड़ा उन्होंने कह दे है कि मारे कोई इज्जत है कोई बात को ना, मैं पैसे दिला दूंगा, लेकिन वो भी नहीं दिला पा रहा। उसने भी मारन लग जाए, उसने भी कुछ कुछ कहने लग जाए, लेकिन वो अपनी इज्जत झूठी सहन बनाने के लिए वो अपने निकल जाए। वो हरियाणी भी कलाकार है, ये बने रही मेरे साथ में, ऊपर से मैंने मारन की धमकी दी जा ये रोज रोज। तो आपने पुलिस में कहीं शिकायत की हो या किसी को बताया कि आपके साथ क्या हो रहा है? पूरे पड़ोस ने पता है, सब ने पता है इस बात का, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं है बिल्कुल भी। एक सुबह एक आया था, बोले मैं बोल रहा हूँ उसने जाकर भी खर्चा नहीं है, मेरे पास कोई सामान नहीं है घर में, बोले चली जाएगी जहाँ जाना है कर लेगी, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा उसको। अब 4 महीने से मैंने कोई पैसा नहीं दे रहे वो बिल्कुल भी। कोर्ट है बंद पड़ी है, अब कह रहे हैं कोर्ट तो बंद पड़ी, मेरा के बिगाड़ सका है, जज मेरा खसम है, वकील मेरा खसम है, यहाँ तक भी आप जैसे भाई जाएंगे वो भी मेरे खसम बनेंगे, ये बोला उसके। तो कोर्ट में जब आपने केस डाला तो उस समय पे क्या तय हुआ था? यही होया था कि भाई खर्चा देगा, करीब 1.5-2 महीने के अंदर उसने खर्चा देना शुरू कर दिया था। 7,000 रुपये महीने के दे रहे थे, उसके बाद में 9,000 करे है। मैंने ये सोच लिया मैं चल कोई बात को ना साथ दे देगा, सुख शांति से खा लेंगे, घर चली गई। अब 3-4 महीने से वो हरकत फेर कर रहा है मेरे साथ। तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा? हम पैसा नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। पहले ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो क्या काम करते थे और किस से पैसा उनके पास आता है? तहसील में था जी, ये इसमें 214 नंबर कमरा है, कल्याण विभाग कोई ऐसा दफ्तर था उसमें है वो, और ज़्यादा भाई मैं जानती को ना किए हर के नहीं। तो तहसील में कार्यरत थे, उनका नाम क्या है? अशोक कुमार। अच्छा जी, तो फिर उनके खिलाफ जब कोर्ट एक्शन ले चुका है तो अभी आपने अपने वकील से भी बात की होगी, तो क्या कार्रवाई हो रही है? वकील ये करे है कोर्ट बंद पड़ा है, अब चल रेवाड़ी चल भाई वहाँ से केस डाल दूंगा, अब रोज रोज वकील के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैं। एक्चुअल में आपकी हालत आज के दिन क्या है? आज के दिन मेरे घर में कोई सामान नहीं, यार मैंने एक मिनट का भी विश्वास नहीं मैंने कभी भी मार सका है। सुबह भी धमकी दे रहा था कि तू एक बार रोड पर आ जा ना, बच्चे चले जा, उसके बाद में मैं बताऊंगा तने। मैंने एक मिनट का ये विश्वास नहीं है कि अगर मैं अकेली मिल गई तो मैं नहीं मारेंगे ये जी। आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्या बताऊं भाई, मैंने जो हालात है वो मेरी आगे है,
मैंने तो कभी उसको ये भी नहीं पूछा भी तू कित जा रहा है, शराब पीवे है खूब छुट्टी की पीवे है शराब। घर के हालात आपके जैसे मुझे लग रहे हैं अभी तो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, लेकिन उसके बाद भी क्या गांव में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपका साथ दे सके या कोई किसी को समझा बुझा सके या ऐसी कोई बात बता सके? सरपंच वगैरह से बात की? सरपंच भी उन्हीं कहा भाई जी, मैं सरपंच है वो कह रहा है कि थारा तो गुजर झगड़ा, मैंने पता ही नहीं चल रहा कि हो रहा थारा। सरपंच के पास मेरा बड़ा लड़का बैठा है दारू पी में, आपस में बैठा है, घरवाला भी बैठा है उसके पास। सरपंच भी आपके खिलाफ है एक तरीके से अगर हम कहें तो? अभी करुणा बता दी थी उसके घर वाले ने, वो जहाँ रोटी खाया करता वहाँ से बजा दिया। मैंने सोची चल कोई बात को ना, आदमी है तरह दे दे रोटी, मैंने सामान उधार ले ले आकर दे दिया। उस दुकानदार के भी पैसे नहीं जा रहे, 6,000 रुपये दुकान वाला के है, और 4.5 किलो घी लेकर आई थी, घी वाली के भी 18 मेरे ख्याल में 1700-1800 रुपये रह रही है अभी, आधे मैंने दे दिए उसके। पुलिस के पास भी गई हैं आप? पुलिस के पास गई थी लेकिन उसके चला, हमने कौशली में FIR करवाई थी लेकिन कोई नहीं चली मेरी पुलिस के पास। क्या कहा पुलिस ने आपको? बोले हो जाएगा, घर का मामला है, सब ठीक हो जाएगा। उसका चाचा का लड़का है कौशली गांव में, 10-5 जने और है जान पहचान के है उसके, वहाँ मेरी FIR नहीं चली बिल्कुल भी। तो आपने महिला आयोग वगैरह में शिकायत की? महिला में नहीं गई भाई, मैं यही सोच रही हूँ, उन्होंने कहा है कि मेरी सब जगह पर जान पिछाना, मैं खुद नहीं जा रही। सुबह भी मैंने उन्होंने कह रहा था आके एक मिनट में भीतर करवा दूंगा, कभी चाबी लकोले है स्कूटी की वो मेरा नाम लगा दे है, कभी कुछ नाम लगाओ है, कभी कुछ नाम लगाओ है, चोर कलेगी मारा तो। आपका जो पीछे का परिवार है क्या वो भी आपका साथ नहीं दे रहे? पीछे का परिवार है भाई, एक प्लाट है, वो प्लाट के चक्कर में, इसके चक्कर में मैंने बैर बांध लिया उनसे, जो एक भाई था वो मेरा चला गया। उसके बाद मैं पीर माँ हूँ लेकिन मेरा पीर भी वाले भी बहुत गरीब से भाई बिल्कुल, वह भी माँ भी नू कहे बेटी कोई बात को ना तेरी किस्मत है, लेकिन किस्मत ना कितनी करूँगी माँ का आगे, रोटी तो मन भी चाहिए कि पेट भर का। आज भी मेरा घर में 3 दिन हो लिए आटे बिना रोटी नहीं बनी है, आप जाके देख सको, कल मेरी बहन का थदगी हूँ लेकर आई हूँ 20-25 किलो में जाकर नर, वो जब अभी पीसे भी नहीं है, पैसे थे नहीं पिसवाऊँ कहाँ से उन्न में। तो हालात बहुत गंभीर हैं आपके, अभी उम्मीद क्या है आपको, क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहूँ भाई, मेरा मैंने उससे कोई लगाव नहीं है, जब होता मेरा होता तो ये काम ही नहीं बनता मेरे साथ, कोर्ट में नहीं जाती मैं, फालतू की बेइज्जती नहीं होती मेरी, पी पी के वो गंदा बोला है शराब पी के इतना गंदा बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है वो। मैं यही चाहूँगी मेरा खर्चा मैंने मिल जाए, मैं अलग से अपनी रोटी खा लूँ फिर बना लूँगी। तो हालात जिस प्रकार के बने हुए हैं, माता जी के जो आंसू हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या इनके साथ घट रही है फिलहाल, और अभी जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि पुलिस के पास भी ये गई, कोर्ट में भी इनका केस चला, और कोर्ट में केस चलने के बाद में तय हुआ कि इनको 7,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने, और उसके बाद में तय हुआ कि 9,000 रुपये इनको दिए जाएंगे, लेकिन अभी जो कोर्ट्स बंद थे कोरोना काल में कोविड के दौरान में, तो उस समय पे अब एक बार फिर से उन्होंने जो पैसे वगैरह हैं वो देना बंद कर दिया, और उसके बाद से अब जो माता जी के हालात हैं वो आपके सामने हैं, इनके जो आंसू हैं वो साफ जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, बाकी इनकी मदद होनी चाहिए ये तो ज़रूरी है, क्योंकि इनको भी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर चाहिए, तो इनकी अगर आप भी अगर मदद करना चाहते हैं तो आप भी इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ इनको आप सुझाव दे सकते हैं, और अगर महिला आयोग तक भी हमारी ये वीडियो पहुंच रही है तो वो भी कुछ ना कुछ इनके खिलाफ़ ज़रूर करे जो इनके साथ घटनाएँ हो रही हैं, ताकि वो घटनाएँ रुक जाएँ, और जो प्रशासन है वो भी ऐसी चीज़ों पर चेते, अगर आपके पास कोई आता है तो उसको आप ऐसे खाली हाथ ना लौटाएं, हो सकता है कि कल को वो बंदा ही ना रहे या कुछ ऐसी घटना उसके साथ हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, क्या उसका कोई जिम्मेवार होगा या फिर कैसे क्या होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज के अंदर हैं जो इस प्रकार की घटनाएँ करते हैं उनको तो आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार की उनकी मानसिकता होगी और कैसे वो लोग होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि माता जी के साथ में जो घटनाएं घट रही हैं वो इतनी दयनीय हैं
कि आज के दिन उन्होंने बताया कि इनके घर पे खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, इनके घर पे आटा तक नहीं है खाने को। तो इतने बुरे हालात में अब माताजी हैं और इस दौर से गुजर रही हैं, तो इनको भी ज़रूरत है बहुत सी चीज़ों की, इनको भी खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आगे का अपना जो जीवन है वो व्यापन कर सकें। और साथ साथ जीवन यापन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें अभी जो इनकी एज है वो आप देख सकते हैं, जो पेपर्स माताजी ने लिए हुए हैं इनके हिसाब से इनकी 56 ईयर एज है और इसी के अंदर वो पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। ये कोर्ट के पेपर्स हैं, मैं आपको एक बार कैमरे के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा जो ये कोर्ट के पेपर्स हैं, आप देख रहे हैं ये कोर्ट के पूरे पेपर्स हैं और इन्हीं के अंदर इनका जो केस नंबर फाइल है वो भी लिखा हुआ है। और अब इनका जो केस है वो कोर्ट के अंदर है और कोर्ट से जो फैसला इनके पक्ष में आया था कि इनको 7 से 9 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, तो वो भी पूरा के पूरे जो इनके कागजात हैं वो इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो अशोभनीय भी हैं और एक प्रकार से जिस प्रकार से माता जी अभी बता रही हैं कि इनके साथ में क्या क्या घटनाएँ घटित तो हो रही हैं, तो पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए और महिला आयोग के पास, मैं माता जी से भी कहूँगा कि ये महिला आयोग के पास जाएं और अपनी जो शिकायत हैं वो लगाएं ताकि महिला आयोग इनके पक्ष में आए। गांव के जो सरपंच वगैरह हैं उनको भी साथ देना चाहिए या फिर मामले का पूरा जो निपटारा है वो करवाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो पहले ही केस इनका चला हुआ है, तो कोर्ट से जो इनके पक्ष में जो केस आया था तो शायद इनके पक्ष में है तभी इनके पक्ष में आया होगा। और अभी भी जो घटनाएँ पूरे इस दौरान चल रही हैं उनको देखते हुए सभी को इनका पक्ष सुन करके सभी चीज़ें करनी चाहिए ताकि इनको न्याय मिल सके। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई और लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो वो भी इनकी मदद कर पाएँ। मैं इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो अपने वीडियो के अंदर डाल दूँगा, आप वहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और वहाँ इनसे आप बात कर सकते हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते तो आप सीधी इन्हीं की मदद करें, मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप इन्हीं की मदद करें, सीधा इन्हीं के कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप इन्हीं से बात करें और इन्हीं की मदद करें। जैसे भी जिस भी रूप में आप मदद करना चाहते हैं, चाहे अगर आप एडवोकेट हैं तो इनकी केस के अंदर मदद करें, अगर आप पैसे से इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप पैसे से मदद करें, या किसी भी रूप में आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इनकी मदद करें। मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश कर रहा हूँ यहाँ पर, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर जा कर के आप इनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।